और भी कमी तो आ रहा मैं बकोनो कह तारी तू नीमन नहीं खुश तोरा के ना रखम करिया बड़े ते तोरा के करिया कहां लोग तो इतना सुनर चेहरा बा इतना गोर आदमी बा तो कहे वो आदमी इस तरह से बोल रहा खेत बेच के दे ये दिए हैं तो फिर दोबारा मेरे बहन को मार रहा था लोग पीट रहा था लोग गाड़ी दे रहा था लोग ऐसे दोबारा दहेज मांग रहा था। जब यहाँ से आप गई तो वहाँ पे कितना दिन तक अच्छा तरह से वो आदमी रखा आपको? 2 महीना ठीक से रख ले लो ओकरा बाद कह तर लो पैसा चाहिए मोटरसाइकिल चाहिए तब ठीक से रखम सा ना तो ना रखम। दो लड़की से बतियानी अब रूम पर बुलावे नहीं ओकनी के रूम पर बुलावे नहीं। हाँ सबको यहाँ था लो बड़ा बाबू के सामने हम लोग बोले थे कि सर अगर रहेगी तो हम लोग रखने के लिए तैयार है उसमें दिक्कत क्या? इतना अच्छा लड़की इतना सुनर साफ सुथरा है अब इनको ऊपर क्लेम ये लगाया जा रहा है कि ये करिया है अच्छा नहीं है। अब बताइए अब वह अनुजान तर लो दो लड़की से बतिया तर तीसर का शादी कर जाता रन ढेर दहेज मिला था वही से कह तर लो कितने दिन में नहीं जबकि आप लोग दहेज दिए। अगर गलत बोलते होंगे तो हमको जूता से मारिएगा सर घर पंच में मारिएगा उसमें दिक्कत नहीं है सर। माँ का कसम खाकर बोल रहा सर कि हम गलत बोलने वाले नहीं है। अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड के तिलुआ गाँव में और यहाँ पे जो एक घटना हुआ है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये घटना हुआ है और जिस लड़का ने किया है उसको तो ये एक तरह से समाज में रहने लायक वो आदमी नहीं है। बात करेंगे ये लड़की है इसको शादी हुआ लगभग 2 साल हुआ और ये जब ससुराल में थी तो काफ़ी अच्छा तरह से 2 महीना तक रखा गया उसके बाद इसको प्रताड़ित किया गया दहेज के लिए। विशेष बात हम इससे जानने की कोशिश करेंगे क्या नाम हुआ? करीना देवी। करीना देवी अच्छा अच्छा आपका शादी हुआ कितना दिन हो गया? 2 साल हो गई। 2 साल जब यहाँ से आप गई तो वहाँ पे कितना दिन तक अच्छा तरह से वो आदमी रखा आपको? 2 महीना ठीक से रख ले लो ओकरा बाद कह तर लो पैसा चाहिए मोटरसाइकिल चाहिए तब ठीक से रखम सा ना तो ना रखम सा। अच्छा पैसा मोटरसाइकिल काहे मांगत रहल लो? पैसा मांगत रहल लो कि दोसर मन कोनो बिजनेस करम सन। जब मेरा पापा जी खेत में दहेज एक मिनट दहेज होय ना दियै रहे? दहेज दियै रहे फिर दोबारा। कितना दहेज दियै रहे? 2 लाख रुपया दिया रहे। 2 लाख दहेज दिया रहे। एगो गाड़ी दिया रहे। एगो गाड़ी फिर दोबारा फिर आदमी वो मांग रहे हैं कि ना? हाँ। अच्छा मतलब का वजह रहे के तारा के यहाँ पहुँचा दे लो वो लोग पहुँचाई लो के तू अपने से अलू वो पहुँचा ले लो टेम्पल पर बैठा कर लिया के छोड़ दे लो। कहाँ छोड़ दे लो? हमारा द्वार पर। का है का दिक्कत रहे तारा में? कह दे लो कि ते नीमन नहीं कुछ तोरा ना रखम सर तोरा घर के लोग ढेर दहेज नहीं के दिले अच्छा। और दोसर लड़की से बतियात रहल। दोसर लड़की से बतियात रहल अब फिर दोसर शादी करा जाता रहा 28 तारीख के अब फिर शादियो करे जाता। देखिए यहाँ पे जो लड़का है कि एक तो इनको पहले शादी कर लिया उसके बाद बोला के अच्छा नहीं हो दहेज दो इस तरह से प्रताड़ित किया फिर बाद में ये कह रही है की दूसरे लड़के से भी बात करता था अब फिर दूसरे लड़की से भी शादी कर। कितना लड़की से वो बात करता है? माने एगो दू लड़की से बात करलन एगो हमरा से शादी कइलन ओकरा बाद दोसर शादी कर जत रहा 28 तारीख के। अच्छा आई बात कर जत ई आपको कैसे मालूम है? उहे बतइले रहलन कि हम दू गो लड़की से बतियानी। अच्छा आप उन लड़की को पहचानती हैं देखी हैं कभी? नहीं नहीं की देखले हम। तो फिर कैसे बोल दे रही हैं? उ बतइले बड़न खुद अपना मुंह से हमरा से। अच्छा बताए हैं का बोल रहे थे? जब हम पुणे गए थे अभी 10 दिन पहले तो उसका सारू बोला जे आपके घर में ऐसा प्रॉब्लम है का तो हम बोले जे हाँ है तो आपके आप ही के बहन से शादी हुआ था तो हम बोले हाँ मेरे बहन का शादी हुआ। मतलब कौन साड़ू बोला है? अरे उसका उन्हीं का साड़ू आ गया जी उनका भैया का साड़ू नया शादी हो रहा है वो उनका भैया का साड़ू था। अच्छा उनका भैया का साड़ू। हाँ इनका ठेकेदारी में हम काम करने गए थे तो वही बोले जो दूसरा शादी कर रहा है आप आपका घर का लोग कोई नहीं जानते हैं तो हम बोले नहीं जानते हैं लोग हम इसीलिए वो बोले आप घर जाइए आपके घर के लोग जाके कहिए तब हम बिना बताए आप लोगों का वो छुपके से शादी कर रहा है। छुपके से शादी कर रहा है। अच्छा अच्छा इनकी माँ है इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं का दिक्कत रहा के ही पहुँचा दल लो का दिक्कत तो बोला मतलब कोनो दिक्कत रहे है रुआ बेटी में असल में कह के बा का कहत नहीं लड़की के दिक्कत यह बा जो दहेज मांगता लोग दूसर शादी करता लोग जानकारी ना दे रखल 28 तारीख के शादी बा गाड़ी का सवा के लड़की यहाँ के बाप मतारी दे दिले बा आ गाड़ी का सवा के दे दिले बा गाड़ी के कागज कोनो हित हमार गल तो कागज निकल लो तो निकल लो तो हमरा से फोन करके कह लो जे माँ हम को निकाह हो आ तो करीना के शादी हो खता हम कहनी जे ना नहीं खे आ तो हमरा लगे कागज आयल बा हम कागज बांटे जातानी तो कागज बांटे वो हित गयल तो ओकर शादी 28 तारीख के दिन उतरा। अच्छा एक बात बताइए के मतलब आप जब वहाँ पर रह रही थी तो आपके और आपके पति के बीच में कुछ झगड़ा भी हुआ था? ये झगड़ा कोई लन दहेज खातिर दूसरा झगड़ा नहीं। मेरे पापा जी खेत बेच के दे ये दिए हैं मेरे बाबा जी खेत लिखे हैं वो
अच्छा मतलब खेत बेचकर आप लोग दहेज दिए? हम लोग खेत बेच के ये दिए हैं, तो फिर दोबारा मेरे बहन को मार रहा था लोग, पीट रहा था लोग, गाड़ी दे रहा था लोग, ऐसे दोबारा दहेज मांग रहा था लोग। जो दहेज मतलब इंसानियत को कितना शर्मसार वो आदमी कर रहा है। एक तो वो समाज में रहने लायक नहीं है कि पहले तो इसके घर वाले खेत बेचकर उसका शादी किए, उसके बाद फिर दोबारा दहेज मांग रहा। अब बताइए कि ये दूसरा खेत फिर बेचने पर मतलब मजबूर किया जा रहा है एक तरह से। और इस तरह से कानून में भी है कि दहेज लेना अपराध है, और कानून का भी वो आदमी धजिया उड़ा रहा है। चार गो यहाँ के लड़की बहन लोग, यहाँ का चार गो लड़की बहन लोग अब इनकर शादी को भइल बा जमीन बेच के। आई लोग तो अपने सब तरह से दिक्कत बखाए के पिए कराए के, अभी बताएं जो दूसरा शादी करता है तो ये लड़की कामना लेके रही है। मतलब ये क्या बोल रही है आप? बुढ़िया बहुत खाल लायक भी है। कौन बुढ़िया? ओकर सास शत्रुघ्न का माँ। वो क्या बोल रही है? बताई जो दिन थाना पर गनी से परसो तो ईटा उटा वहाँ चप्पल ऊपर सब एक धीरे ले रहा हमारे खाती, तब दूसर कोई पुलिस उलिस मन कहीं लो वो जा ईटा ले उठ ले रहा। मतलब इस तरह से यदि समाज में वो लड़का करेगा तो मतलब आप ही लोग बताइए क्या सही है कि एक लड़की का लाइफ बर्बाद कर दिया फिर दूसरे लड़की से शादी करने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस लड़का का जो है दूसरे किसी से भी चक्कर है। अच्छा एक बात बताइए कि ये चक्कर के बात आपको कैसे मालूम चला? वो बतैले रहन हमर से कि हम दू गो लड़की से बतियानी अब रूम पर बुलावे नी ओकनी के। रूम पर बुलावे नी? हां दू गो लड़की से बात करते हैं फिर रूम पर भी बुलाते हैं। हां अच्छा मतलब ये आप लोगों का अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि वो जो आदमी है शादी हो गया उस आदमी ने दो लड़की से बात करता है रूम पर भी बुलाता है, इस तरह से घटिया सोच रखता है। हमर सास बड़ी सब वो करावत रही। मतलब वही बोलती है कि दो लड़की से बात करो लाओ घुमाओ रूम पर रखो। वो नहीं की बोलत लेकिन वो घर में रहे नहीं की ठीक से कह तारी हम तोरा के ना रखे। का है का वजह बा का कमी बा? गाना वो अपना पतो का दे देले बड़ी या कह तारी गाना लेके भाग गल बड़े गाना लेके अइबे त रखे मा ना त ना रखे। और भी कमी तो आराम बा कोनो कह तारी तू नीमन नहीं खुश तोरा के ना रखे करिया बड़े ते करिए कहा लोग इतना सुनर चेहरा बा इतना गोर आदमी बा तो कहे वो आदमी इस तरह से बोल रहा। अब वो जानता रहो दो लड़की से बतिया तारन तीसर का शादी कर जाता रहन ढेर दहेज मिला था वही से कहता रहो कि तुम नहीं। जबकि आप लोग दहेज दिए भी है? हमने दहेज दिल मन से हमारे बाप मतर खेत बेच। अब बताइए मतलब इतना अच्छा लड़की इतना सुनर साफ सुथरा है, अब इनको ऊपर क्लेम ये लगाया जा रहा है कि ये करिया है अच्छा नहीं है। अब बताइए उस आदमी का मतलब कहाँ से वो लड़की को लाया जाए? अच्छा आप लोग पुलिस कम्प्लेन ये सब किया है कि नहीं? पुलिस केस कर गई दरखास्त दियाल बा। तो दरखास्त में कब आई? तो बड़ा बाबू कहतारन की कोर्ट से कहले बड़ा लो तो कोर्ट से एथी कर लो। हम नहीं की जान था हमरा से ना हुई। आ कोर्ट में का भइल बा? कोर्ट में बेटा मतारी गोर लस का भइल? कोर्ट में बेटा मतारी गोर लस तो साहब पूछनी जे बलु लड़की के रखबे कि ना रखबे तो कहत जे ना हम ना रखें हम केस लड़म बन हम लड़की के ना रखें दोनों बेटा मतारी को लस। तब साहब कहनी जे आप तब जाइए अपना घर तो जल्दी जो किस बलु लड़की आ हमनी के करी तो ई एकरा पूछनी तो क्या मैटर है जे वो आप लोग करीना देवी को छोड़ दिए? आज ये जाएगी तो फिर आप 28 तारीख को शादी कर रहे हैं ना? जाएगी अपना मन से चले। जी सर सुनिए हाँ मानने के लिए तैयार नहीं है एक मिनट, जब वो बोल रही है कि हम नहीं आएंगे तो मान के चले। सुनिए बात सुनिए पहले, ये बोल रही है कि उसका अलग लड़की से अफेयर चलता है और दो तीन लड़की से अफेयर चलता है, अपने रूम पे वो लड़की बुलाता है हमें नहीं मानता है। सुनिए 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 सर हेलो। हाँ बोलिए। आप एक मिनट देखिए आपका सारा बात रिकॉर्ड हो रहा है। जी सर सर एक बात बोल रहे हैं, मान के चलिए कि आप उनसे उससे तो पता कर लिए जी जी। आप मेरे घर में आइए, अगर आप बड़े बड़े आदमी है हम आपको बहुत कदर कर रहे हैं बात के, इसमें दिक्कत नहीं है सर। मेरे करियर के बारे में जानना होगा तो सर एक बार मेरे दरवाजे पे आइए।